अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो मैंने एक्चुअली ये किया है ना, इसको तुम ऐसे देखो, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट केस, सेकंड केस, सेकंड केस में हमें क्या मिला है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इस सेकंड केस में ना हमें नो सॉल्यूशन भी मिल सकता था। कैसे? अगर मैंने ना यहाँ पे ये जो फोर है ना, इस फोर की जगह मैं फाइव कर देता, सपोज डैट क्वेश्चन जो गिवन होता है ना, ये क्वेश्चन था हमारा, ये जो क्वेश्चन था, इस मैंने फोर की जगह फाइव कर देता, तो फोर की जगह अगर मैं फाइव कर देता तो p इज इक्वल टू टू रखने पे ये फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन हमारा क्या हो जाता, ये फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन क्या हो जाता, पैरेलल हो जाता। देख लो, अगर मैं p इज इक्वल टू टू, सेकेंड केस में हमने क्या लिया है, हमने बोला है ना p इज इक्वल टू टू एंड q इज इक्वल टू r। तो अगर मैं p इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थ्री में, मैं अगर फोर की जगह फाइव कर देता या नाइन कर देता, एट की जगह यहाँ पे मान लो फाइव कर देता, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन क्या हो जाता, पैरेलल हो जाता। जब हमने p इज इक्वल टू टू रखा ना सेकेंड इसमें, तो यहाँ पे क्या हो गया, p इज इक्वल टू टू रखने पे हमें क्या मिल गया, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन क्या मिल गया, कॉन्साइड हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ फोर की जगह फाइव रख देता तो यहाँ पे क्या होता, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन क्या मिल जाता, पैरेलल मिल जाता। क्यों? बिकॉज एक्स वन, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट तो इक्वल हो जाता, प्रोपोर्शनल हो जाता, बट डी वन इज नॉट इक्वल टू डी टू हो जाता, तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा क्या हो जाता, ये पैरेलल प्लेन हो जाता। तो पैरेलल प्लेन होता तो फिर क्या होता, सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता सेकेंड केस में। ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बात बता रहा हूँ, एक इनसाइट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे सेकंड केस में क्या हो गया, हमें इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन मिल गया, सेकंड केस में भी इनकंसिस्टेंट हो सकता था अगर मैं यहाँ पे फोर की जगह फाइव कर देता या सिक्स कर देता या नाइन कर देता, ऐसे नंबर रखते तो फर्स्ट और थर्ड पैरेलल हो जाता, कोई भी दो प्लेन पैरेलल हो गया। तो जैसे ही पैरेलल हो गया तो तीसरा हमें देखना ही नहीं है, तीसरा चाहे पैरेलल हो, नॉन पैरेलल हो, कॉन्साइड हो, कोई भी दो प्लेन पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हो गया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा एंड हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, कोई डाउट होगा तो तुम लोग पूछ सकते हो, थोड़ा इन्वॉल्व है, अगर इसे मैंने थोड़ा फास्ट भी बोल दिया है, लेकिन अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। ऐसे कुछ बहुत याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हें लग रहा होगा ना कि हमें कुछ याद रखना है, एक्चुअली याद कुछ नहीं रखना है, बस समझ जाना है, प्लेन का कंडीशन समझ जाना है, जैसे कैसे प्लेन पैरेलल होगा, नॉन पैरेलल होगा, तो क्या क्या होगा। अगर ये तुम समझ जाओगे तो क्वेश्चन तुम्हें दो से तीन मिनट में तुम जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, और जो क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आएगा, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे देगा, उसमें कोई पैरामीटर डाल देगा और बोलेगा ये पैरामीटर का वैल्यू है तो बताओ सिस्टम कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या फिर यूनिक सॉल्यूशन है, यही सब पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर में आ जाते हैं, यहाँ क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैव यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया, डू इट योरसेल्फ, आंसर बता दे रहा हूँ, फॉर यूनिक आंसर नहीं है ये, एक बता दे रहा हूँ, ऐसे ही आप सॉल्व करोगे, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, हाँ ये आंसर ही लिखा है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। ये कब होगा, व्हेन पी इज नॉट इक्वल टू थ्री एंड क्यू बिलोंग्स टू आर, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन डेल्टा डेल्टा वन ये हो जाएगा, ये कब होगा, फिर व्हेन पी इज इक्वल टू थ्री एंड क्यू इज इक्वल टू टेन। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आप, ऐसा नहीं ये छोड़ देना, एंड फॉर नो सॉल्यूशन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इज नॉन जीरो, ये कब होगा, व्हेन पी का वैल्यू थ्री होगा, क्यू का वैल्यू टेन होगा। क्वेश्चन जो होगा ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन में बोल देगा कि ये तीन दे दिया और बोलेगा कि व्हेन पी इज नॉट इक्वल टू थ्री एंड क्यू बिलोंग्स टू आर, तो बताओ ऑप्शन दे देगा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, क्या है। वे बोल देगा क्या कि जब p इज इक्वल टू थ्री एंड q इज इक्वल टू टेन है तो फिर क्या होगा। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर तुम ऐसे देखोगे ना, तुमको मान लो कि ये क्वेश्चन दे रखा है ना, तुम फटाफट डेल्टा निकाल लो, जैसे ही अगर p इज इक्वल डेल्टा निकालोगे ना तो तुम्हें आ जाएगा क्या, p माइनस थ्री करके इंटू क्यू माइनस समथिंग आ जाएगा। तो तुमने डेल्टा निकाल लिया, तुमने q का वैल्यू कुछ भी रखो और p का वैल्यू अगर तुमने थ्री नहीं रखा तो डेल्टा जीरो नहीं होगा, तो जब डेल्टा जीरो नहीं होगा तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन। अब बोल रहा है क्या कि p का वैल्यू 3 है, q का वैल्यू 10 है, तो तुम करो कुछ नहीं करो, यहाँ पे p का वैल्यू क्या डालो, p का वैल्यू 3 डालो, q का वैल्यू 10 डालो, तो तीन, चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, इतना बोलने से अच्छा है क्या मैं तुम लोगों को सॉल्व ही कर देता हूँ। सॉल्व करने के लिए जैसे ये देखो, चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन नंबर फोर,
यहाँ पे क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू 10, एक्स प्लस टू वाई प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू। इससे मैंने डेल्टा पहले निकाल लिया, डेल्टा निकालना पड़ेगा हर एक इक्वेशन में, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री की मतलब जरूरत नहीं पड़ती है, बट डेल्टा निकाल लो तुम। जैसे वन 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 निकाला, वन टू थ्री निकाला, वन टू पी निकाला। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट रो से हमने इक्वेट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, ये टू पी माइनस सिक्स, टू पी माइनस सिक्स माइनस, उसके बाद क्या इसको हटा दिया, पी माइनस थ्री, उसके बाद क्या किया प्लस, इसको हटाया टू, यहाँ से क्या मिल गया टू माइनस टू, तो ये हो गया ज़ीरो। तो क्या हो गया, टू पी माइनस पी माइनस सिक्स प्लस थ्री, ये क्या हो गया, ये टू पी माइनस पी पी माइनस थ्री, ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, डेल्टा का वैल्यू हो गया। ठीक है, चलो इसमें डेल्टा वन भी निकाल लो, डेल्टा वन निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद से वैल्यू दे रखा है, पी इज इक्वल टू थ्री एंड क्यू इज इक्वल टू टेन पर, जोड़ी नहीं है, डेल्टा वन निकालने की जोड़ नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे तुमने पी का वैल्यू थ्री डाला ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैंने सॉल्यूशन में क्या बोला कि अगर पी तीन के बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है डेल्टा हमारा जीरो के इक्वल नहीं है, और डेल्टा जीरो के इक्वल नहीं है तो फिर सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम जो होगा यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि पी का वैल्यू थ्री और क्यू का वैल्यू टेन पे, बताओ क्या होगा। तो देख लो, पी का वैल्यू थ्री डाल लो, हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, और पी x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू 10, और p का वैल्यू 3 डालना है, x प्लस टू वाई और प्लस थ्री जेड, और q का वैल्यू 10 डालना है। तो बच्चों यहाँ देखो, ये दो प्लेन क्या हो गया, ये दोनों प्लेन पैरेलल एंड डिस्ट ये कोइंसाइड कर गया, मैंने इसको हटा दिया, अब इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। अब मैंने इस दो प्लेन के बीच में देखा क्या हो रहा है, तो इस दो प्लेन को देखा, ये 1/1 है, ठीक है, ये 1/2 है, मतलब ये प्लेन और ये प्लेन क्या हो गया, ये तो नॉन पैरेलल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि दो प्लेन ऐसे कॉन्साइड हो गया, तीसरा प्लेन ऐसे कट कर दिया, तो क्या होगा, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन सिंगल पैरामीटर में। ठीक है, अगर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है सिंगल पैरामीटर में, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री सब जीरो होगा। अब इसको अगर बोलेगा कि इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को लिखो, तो क्या करेंगे, हमने क्या किया कि सिंगल पैरामीटर में, तो इस दो इक्वेशन को हमने उठा लिया, ठीक है, किसी भी एक को हमने लैम्डा मान लिया, मान लो जेड को लैम्डा मान लिया, एक्स प्लस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 6 बोल दिया, यहाँ से क्या बोला, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री लैम्डा माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर लिया। अब यहाँ से हमने x का वैल्यू लैम्डा के टर्म में निकाल लिया, अब y का वैल्यू हमने लैम्डा के टर्म में निकाल लिया, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा यहाँ निकाल लिए, यहाँ निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, x का वैल्यू लैम्डा के टर्म में, y का वैल्यू लैम्डा के टर्म में, और z का वैल्यू यहाँ तो लैम्डा ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बोलेंगे, वेल लैम्डा बिलोंग्स टू आर, ये हमारा इन्फाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन भी हो गया। ठीक है ना बच्चों, अब क्या बोल रहा है, फॉर नो सॉल्यूशन, अगर मैंने पी का वैल्यू थ्री डाला, यहाँ देखो, अगर मैंने पी का वैल्यू थ्री डाला, तो पी का वैल्यू थ्री डाला तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा जीरो मिल जाएगा। अब अगर डेल्टा जीरो मिल गया एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 10, अगर क्यू 10 के इक्वल नहीं है, तो तुम करोगे क्या, यहाँ पे ऐसे देख लेना कि अगर तुमने p का वैल्यू 3 डाला तो यहाँ से क्या होगा, डेल्टा 0 हो जाएगा। अब तुम एक काम करो, डेल्टा 1 भी कैलकुलेट कर लो, डेल्टा 2 भी कर लो, और डेल्टा 3 भी कर लो, यहाँ पे तीनों कैलकुलेट कर लो। तो तुम अगर p का वैल्यू 3 डालोगे तो ये 0 आ जाएगा, और q का वैल्यू अगर तुमने डाला ना 10, q अगर 10 के इक्वल नहीं है तो क्या हो रहा होगा कि इस तीनों में से कोई एक नॉन ज़ीरो आ रहा हो। तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये था हमारा मैट्रिक्स क्रैमर्स रूल, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम रह गई है तो डाउट पूछ लेना, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि तुम लोग को समझाऊँ। अभी सुबह के 5:45 हो रहे हैं, मैं भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, 6:45 हो रहा है सुबह का। ठीक है, तो अभी क्या है कि कोई ऐसा नहीं है, तुम लोगों के लिए काम किया जा रहा है, थोड़ा रिकॉर्डिंग जो होता है ना और जो ऑफलाइन क्लास होता है, डिफरेंस ये होता है कि इसमें बहुत सारे काम, पहले एक लेक्चर रिकॉर्ड करो, फिर उसको लैपटॉप पे ले जाके कंप्रेस करो, फिर कंप्रेस के बाद सेंड करो, तो ये सब काफ़ी प्रोसीजर के बाद ये जो तुम्हारे पास वीडियो आते हैं, तो इसमें काफ़ी मेहनत होती है,
ठीक है, तो टीचर अपना 100% देने की कोशिश करता है कि जब कोई इतना मेहनत कर ही रहा है तो उसको 100% दो। तो मतलब क्या है कि इनफैक्ट ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि अगर तुम ये जो वीडियो लेक्चर है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो टीचर जो सॉल्व कर रहे होते हैं ना, ये जो बना रहे होते वीडियो, वो काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो तुमको करना क्या है कि जो वीडियो मिले उसको एक बार काइंडली आप उसको देखो, कई बार देखो, कोई डाउट हो तो तुम पूछा करो कहीं पे, कोई डाउट हो। ऐसा नहीं कि दो चार वीडियो बीच का छोड़ दिया कि चलो रहने दो नहीं देखेंगे, तो ये आपके तक वीडियो पहुंच रहा है तो इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो इसको अच्छे से देखो। देखो अगर इसमें एक वीडियो लेक्चर में क्या मतलब एक तुम्हें बेनिफिट होता है ऑफलाइन ऑनलाइन में, कि ऑनलाइन में तुम बार बार सुन सकते हो, ऑफलाइन में बस यही होता है कि टीचर जो होते हैं ना वो फिज़िकली आपके पास प्रेजेंट होते हैं, ऑनलाइन में नहीं होता। बट ऑनलाइन के मेरिट्स क्या है कि तुम बार बार जो रिकॉर्डेड लेक्चर हो उसको सुन सकते हो, तुम्हें कहीं डाउट हुआ तो उसको तुम तुरंत डाउट को फिर दोबारा पीछे करके मतलब रिवाइंड करके दोबारा सुन लिए। और फिर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे पास वीडियो लेक्चर पहुंच रहा है, जिस टीचर ने तुम्हें वीडियो लेक्चर जिस टीचर ने तुम्हारे लिए बनाया वो टीचर से भी तुम इंटरेक्ट कर रहे हो। तो अगर तुमको कहीं डाउट है तो वहाँ पे अपने डाउट को तुम नोट करके लिखो और जब हमारी क्लास होती है उसमें पूछो, ठीक है। और सब और एक बात और ये बताना था, मैंने ऐसे पहले भी बोल दिया कि MX प्लेयर पे देखा करो वीडियो को, उससे थोड़ी क्वालिटी अच्छी होती है और MX प्लेयर जो है ना वो थोड़ा उसमें जूम आउट जूम इन करने की पॉसिबिलिटी होती है। वीडियो अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो वो वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, रिमाइंड करना ईजी होता है, पीछे ऐसे तुम स्वैप करोगे वो क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। मीन्स क्या, MX प्लेयर पे देखो, MX प्लेयर नहीं है तो डाउनलोड कर लो और उस पे वीडियो देखो, ठीक है। ये हमारा लास्ट वीडियो था, इसके बाद हम लोग आएंगे सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड। तो उसके बाद ये देखेंगे और फिर उसके बाद फिर हम लोग कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें हम मैट्रिक्स को भी यूज़ करेंगे, क्रैमर्स रूल भी यूज़ करेंगे, गॉस जॉर्डन मेथड भी यूज़ करेंगे, जो जहाँ सूटेबल होगा उसको यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेई मेंस के एडवांस के। देखो जेई मेंस एडवांस में कहीं भी बोलेगा नहीं कि क्रैमर्स रूल करो या ये करो, वो तो बस आंसर पूछेगा तुमसे कि बताओ सिस्टम ये लैम्डा की ये वैल्यू के लिए, पी की ये वैल्यू के लिए सिस्टम कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब तुम कोई भी मेथड यूज कर लो, चाहे तुम क्रैमर्स रूल यूज कर लो या तुम गॉस जॉर्डन मेथड यूज कर लो, मैट्रिक्स मेथड यूज कर लो, उसको बस आंसर चाहिए होगा। तो ये था हमारा क्रैमर्स रूल का लास्ट लेक्चर। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट PDF तुम्हें सेंड करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो PDF मैं तुम्हें 1 से 2 दिन के अंदर ही सेंड कर दूं। तो जो मैं नेक्स्ट PDF सेंड करूंगा वो होगा हमारा गॉस जॉर्डन मेथड मैट्रिक्स रूल, उसके बाद फिर मैं उसके क्रॉस्पॉन्डिंग वीडियो लेक्चर भेजूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।